सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। आपके ध्यान शिविर हिमालय में व्यास नदी के तट पर मनाली क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष होते रहे हैं। ऋषिकेश, रामनगर, नैनीताल, बद्रीनाथ, हिमालय में अलखनंदा के तट पर तथा अन्य स्थानों पर ध्यान शिविर होते रहे हैं। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं देवराज कटारिया विश्व जागृति मिशन के मुख्यालय आनंदधाम आश्रम से आप सभी को संबोधित कर रहा हूं। बड़े हर्ष की बात है कि आप लोगों ने इच्छा प्रकट की कि महाराज जी इस कोरोना काल में जो कि विषम परिस्थितियों से इंसान गुजर रहा है उसके लिए कुछ उन्हें मार्गदर्शन मिले, इसके लिए आपने महाराज जी को आमंत्रित किया और महाराज जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित भी हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को के संयोजक संजय झाला जी हैं, मैं माइक संजय झाला जी को देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। श्री झाला जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथमतः माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। आपकी सबकी महनीय उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति को मेरा प्रणाम है, मेरा वंदन है। आज का यह हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं नवज्योति, दैनिक नवज्योति के निदेशक श्री हर्ष चौधरी जी के उद्बोधन के साथ। मैं उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री हर्ष चौधरी का। मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुचरण में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करते हुए दैनिक नवज्योति परिवार, रोटरी क्लब,
साउथ और हमारी सहयोगी संस्थाओं में राजस्थान संस्कृत अकादमी, रेड एफएम, फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडेंट टीवी लाइव, द ग्रैंड लग्जूरियस बैंकेट की ओर से आप श्री का अनंत आत्मीय स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जीवन की आपदापी और कोरोना के इस क्रूर कालखंड में जब जीवन भय, तनाव और अशांति का पर्याय बन गया है, तब हमारे मार्गदर्शन के लिए दिव्य चेतना के पुंज के रूप में आप श्री का सानिध्य हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मेरा मानना है अब जीवन पर जो भी विमर्श होगा, कोरोना से पूर्व जीवन और कोरोना के बाद जीवन ही उसका मुख्य आधार होगा। इस महामारी के क्रम में संबंधों, अनुबंधों, समाज, परिवार और जीवन पर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, इससे आप सभी सहमत होंगे। इसी के मद्देनजर हमारी सोच और जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे उनके महाराज श्री। इसी कामना के साथ मैं विषय परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता हूँ अनेक साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा के जाने माने कवि, लेखक, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक एवं रोटरी क्लब जयपुर साहू के सम्मानित सदस्य श्री संजय झाला जी को। संजय झाला जी, आपका बहुत बहुत आभार हर्ष जी, और मैं अपनी बात एक संस्कृत के सुभाषित के साथ प्रारंभ करूंगा और कहूंगा कि शास्त्रों में कहा है, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुषस्य संशयः। अर्थात यह तीन चीजें केवल देवताओं की कृपा से सुलभ है, उनमें मनुष्य जन्म है, मोक्ष प्राप्ति है और महापुरुषों का संशय है। आज पूज्य आचार्य चरण हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं ये कदाचित कह सकता हूं, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपके दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं नारद भक्ति सूत्र की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि कुछ शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, कस्तरति मायाम, अर्थात साधारण तरीके से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास किए, हे गुरुदेव ये बताइए इस माया को कौन करता है। तो भगवान नारद कहते हैं यह महानुभाव सेवते है, अर्थात जो महानुभावों के साथ रहता है, उनका सत्संग करता है, उनका सानिध्य ग्रहण करता है, वो सहज रूप से इस जीवन रूपी माया को तर जाता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक कृमि होती है, कीड़ा होता है, बहुत ही घृणित होता है, बहुत घृणास्पद होता है, लेकिन चूंकि वो फूलों के साथ रहता है इसीलिए भगवान के माथे पर चढ़ जाता है। आज हम पूज्य आचार्य चरण के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। आज का जो विषय है, विषय प्रवर्तन के लिए मुझे आदेशित किया गया है, भय, तनाव और अशांति से मुक्ति आज जो हमारा विषय है। मैं पूज्य महाराज श्री की अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भय, तनाव और अशांति से मुक्त या तो बच्चा होता है या फिर सच्चा होता है। आज के क्रूर कालखंड को देखते हुए ये बात कही जा सकती है, और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा जो जितने भी श्रोता हैं, गीता की इस पंक्ति से अपनी मैं बात प्रारंभ करता हूं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, आप जो हैं अभी वर्तमान जो आपकी स्थिति है, आप अपने अतीत का स्मरण करें और आप अपने बालपन में चले जाएं, क्योंकि देहास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो आप हैं वही बच्चे थे, वही कुमार हैं, वही आप युवा हैं और आप ही वृद्ध होंगे। इस प्रकार केवल आपका देह परिवर्तन हो रहा है, आप नहीं, अर्थात आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप अपरिवर्तित है, निर्विकार है, वो कभी बदलता नहीं, केवल देह बदलती है। और क्या कारण है कि जब हम बच्चे होते हैं, बालपन में होते हैं, तो हम तमाम दुखों से, भय से, श्राप से, संताप से, तनाव से, अशांति से मुक्त होते हैं, किसी का डर नहीं होता,
सामने अगर सांप भी आ जाता है तो बच्चा उसे उसे कीड़ा करने लगता है, उससे कौतुक करने लगता है। क्या कारण है कि युवावस्था आते ही हम भय और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, और विशेष रूप से क्रूर कालखंड जो अभी चल रहा है और आप हम सबने इसे देखा है, इसका मैं मूल कारण जो मैं समझ पाया हूं मेरी दृष्टि में वो ये है कि हमारा अज्ञान और ये माया। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर तोर से माया जई बस जाने जीव निकाय। हमें थोड़ी थोड़ी समझ विकसित होने लगती है और हम ये कहने लगते हैं ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, इस तेरा मेरा यही माया है, यहीं से ये अशांति उत्पन्न होती है, यहीं से भय उत्पन्न होता है और यहीं से सारे तनाव के मार्ग खुलते हैं। तीन और महत्वपूर्ण कारण हैं जो मानस में बाबा ने कहा है कि सुत वित लोक एषणा तीनी कही के मति इन कृतन मलिन। पुत्र की वित्त की, वित्त में चित्त होता है, और लोकेशणा हमें यश मिले, हमें वैभव प्राप्त हो, हमें प्रचार प्राप्त हो, आदमी इन तीनों में उलझा रहता है और कहीं ना कहीं ये ही भय उत्पन्न करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, ये आपाधापी है, ये जीवन में अशांति उत्पन्न करती है। आज का विषय यही है, इनसे मुक्ति का उपाय भी है और उपाय के लिए गीता कहती है कि निर्ममो निरंकार शांति मधिगच्छति, जिसमें किसी की आसक्ति नहीं है, जो आसक्त नहीं है विषयों के प्रति, निर्मम है जो प्राप्त होता है। तो आइए महाश्री काश दिव्य और भव्य सानिध्य हमारे बीच में हैं, उनकी पावन और गरिमामय उपस्थिति है, मैं उन्हें कोटिशा प्रणाम करता हुआ मेरे विचारों की चादर पर उनकी दिव्य विचारों की पधरावनी हो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज को। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुखी हों, आनंदित हों। प्रत्येक दिन परमेश्वर की नवज्योति इस धरती पर आती ही है, सूर्य के माध्यम से भी हम नवज्योति प्राप्त करते हैं, लेकिन सूचना समाचार इसकी नवज्योति दैनिक रूप से आप लोग प्राप्त करते ही हैं, और वही दैनिक नवज्योति की ओर से और सेवा के माध्यम से हृदय को जीतने वाले रोटरी क्लब जयपुर साउथ और अन्य सहयोगी सभी के प्रति मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, और आवाज के जादूगर संजय झाला जी, उनकी आवाज मुझे लगता है अमिताभ बच्चन से मिलती हैं, उनको भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, और सभी बैठे हुए अधिकारी श्रोतागण सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वैश्विक जो इस समय महामारी कोरोना और उसके द्वारा पूरे विश्व भर में भय का, तनाव का, अशांति का वातावरण बना हुआ है, हम सभी लोग इससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। और आप लोग जानते हैं कि भय किसी भी जीनियस के सर पर सवार हो जाए तो भीतर का जीनियस चुप पड़ा रह जाता है, मौन पड़ा रह जाता है। पूरी दुनिया में अगर हमारे ऊपर सबसे अधिक कोई चीज शासन करती है तो भय शासन करता है। पांच कलेश शास्त्रों में बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति पंच कलेशः। तो अभिनिवेश जो है मृत्यु का भय, दुनिया में सबसे बड़ा क्लेश माना जाता है, और ये कहा जाता है कि मौत अपने नौ रूप लेकर इस दुनिया में काम करती है और उन नौ रूपों में भय का सबसे बड़ा स्थान है। कुछ न कुछ हम सभी लोग
हर पल सोचते रहते हैं कहीं बुढ़ापे का भय है, कहीं गरीबी का भय है, कहीं रोग का भय है, कहीं कुल ना छूट जाए, कहीं हमारा अपना प्रिय या जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो चीज छूट ना जाए, जीवन की हानि ना हो जाए। व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि एक तो सामाजिक मृत्यु होती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखदायी शक्ति मानी जाती है। मृत्यु के अनेक रूपों में हम लोग ये जानते ही हैं कि जहां कुल टूटने का भय, क्योंकि किसी का कुल खंडित हो जाए तो वह भी एक मृत्यु जैसा दारुण दुख है। आर्थिक मृत्यु अपने आप में बड़ी भारी दुखदायी चीज है। सामाजिक सम्मान का हनन हो जाए तो अनेक अनेक रूप भय के हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहें या वेदों में कहें तो वहां पर कहा गया है कि मित्र से भी मुझे भय ना हो और शत्रु से भी भय ना हो, और आखिर में कहा गया सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी तो मेरे मित्र बन जाएं, सब दिशाओं में सब और मैं सबके कल्याण की कामना करूं। इसलिए उस समय प्रार्थना की जाती है, भद्रम करने भी शुणियाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर जयत्राह, हम अच्छा ही सुन सकें, मंगलकारी ही सुन सकें और मंगलकारी भद्र को देखें, सर्वत्र सब कोई एक दूसरे का कल्याण करता हुआ विचरण करे, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जहां हम इस समय भय से दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, वहीं अशांति भी चारों तरफ है। आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी, चाहे संस्थान हो, परिवार हो, व्यक्ति हो, उसकी प्रगति का आधार एक चीज मानी जाती है। अगर व्यक्ति के मन में शांति है तो ये ध्यान रख लीजिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, अच्छा सोच सकेगा, अच्छी योजनाएं बना सकेगा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अच्छी नींद भी लेगा। और अगर वह व्यक्ति अशांत है तो नींद भी गई, मुस्कुराहट भी गई, प्रगति भी गई। और अगर हम देखें तो किसी कंपनी में अगर वहां पर अशांति है तो उसका विकास रुक जाएगा, अगर किसी राष्ट्र में अशांति है तो उसका भी विकास रुक जाएगा। तो ध्यान रख लीजिए कि शांति की बड़ी भारी आवश्यकता है, निर्भयता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी रूप में अगर हम कहें तो इन दोनों से के बीच में एक और कड़ी है, वह है तनाव की। तनाव को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम एक चीज को समझें, एक होता है ताना, एक होता है बाना। जो ताना जाए, तने जो धागा, वो ताना कहलाता है, जो बुना जाता है उसको बाना बोलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि अगर किसी सितार का तार आवश्यकता से अधिक तान दिया जाए तो एक तो सुर उसका नहीं मिलेगा, हमको संगीत नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा छेड़ दिया गया तो टूट भी जाएगा। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का संगीत खो जाएगा तब जब उसकी जिंदगी में आवश्यकता से अधिक तनाव आने लग जाए। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भगवान फिर ये तनाव देता ही क्यों है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तनाव ही तो है जो आपको जगाता है। जिम्मेदारियों का तनाव जब आपके अंदर बढ़ता है तो अलार्म नहीं जगाता, जिम्मेदारियां जगाती हैं आदमी को, और जिम्मेदारियों को मानता वही है जिसके हृदय के अंदर वो पीड़ा जागती है कि मुझे कुछ करना है, और उसी के कारण जागता है तनाव। लेकिन ये तनाव तब तक तो ठीक है कि ये आपको जगाए, आपको आगे बढ़ाए, आपको उठाए, आपको कर्तव्य के लिए प्रेरित करे, लेकिन जैसे ही आवश्यकता से अधिक बढ़ने लग जाता है तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर ये धुआं बन जाता है जो आपके अंदर घुटन पैदा करता है। 72% बीमारियां इस दुनिया में अगर किसी चीज के कारण है तो केवल तनाव के कारण है, जिसके कारण उठते हुए हमारे चेहरे की मुस्कुराहट खो जाए और जिसके कारण हम जीना भूल जाएं, जिसके कारण इरिटेशन बढ़ने लग जाए,
जिसके कारण हम हर दिन ये महसूस करने लग जाएं कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। बात बात में चिढ़ना, गुस्सा करना, ऐसे तो हम नहीं थे। सीधा सा कारण है कि हम आवश्यकता से अधिक जब तनाव लेने लग जाते हैं, या हम ऐसा कहें अपनी शांति की कीमत भूल जाते हैं और अपनी निर्भयता की शक्ति को भूल जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में तनाव अधिक आता है। और इन सब से उत्पन्न होने वाली एक चीज है जिसको कहते हैं चिंता। इसे ऐसा मानना चाहिए कि जैसे किसी बड़े पेड़ में जिसे आंधी तूफान कोई भी न गिरा सके, लेकिन उसके जड़ों में दीमक लग जाए, आंधियां नहीं गिरा पाई उसको, 100 साल तक भी खड़ा था मजबूती से, लेकिन एक पतला सा छोटा सा कीड़ा दीमक वो उसकी जड़ों में लग जाए तो उसको खोखला करके जमीन पर गिरा देता है। किसी भी व्यक्ति ने कितने भी बड़े युद्ध जीते हों, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर कहीं चिंता का कीड़ा लग गया है, दीमक लग गई है, तो उसके प्राणों को खोखला कर देगी। इसलिए जीना सीखना इस युग में सबसे ज्यादा आवश्यक है। दवाइयों के युग में हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां हमने खोज ली, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, चिंता की कोई दवाई नहीं है, तनाव की दवाई नहीं है, भय मिटाने की कोई दवाई नहीं है। भले ही कितना भी अल्कोहल लोग पी करके अपने आप को भुलाने की कोशिश कर ले, लेकिन इसका एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि आप थोड़े से आध्यात्मिक हो और थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, जीने की कला सीख लें। तो क्या करना होगा, क्योंकि ये तो हम लोग सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को बात बात में चिड़चिड़ाहट होने लग जाए, इरिटेशन होने लग जाए, ज्वालामुखी की तरह फटने लग जाए, छोटी छोटी बात सुन करके सहनशीलता उसकी खो जाए, गुस्सा ज्यादा आने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि भीतर से तनाव से ग्रस्त है। बड़े मजाक में कई बार कहा जाता है कि किसी एक तवे पर जब पॉपकॉर्न मक्का के दाने भुने जा रहे थे तो कुछ दाने बहुत तेजी से ऊपर उछल रहे थे, तो क्योंकि ज्वाला जी कवि हैं, उनकी बात को ध्यान में रखकर बात करता हूं, तो किसने जाकर के पूछ लिया उस उछलते हुए मक्का के दाने से कि भाई इतना उछलते क्यों हो। उसने कहा इतने गर्म तवे पर तुम बैठकर देखो, मेरे से भी ज्यादा उछलोगे। तनाव के तवे पर जो भी कहीं बैठ गया तो ऐसे ही उछलेगा, ऐसे ही फटेगा, ऐसे ही चिल्लाएगा और ऐसे ही रहेगा। और आदमी जब प्रायश्चित करेगा, अकेला बैठेगा, तो दुखी होकर कहेगा ऐसे तो हम नहीं थे, ये क्या हो गए। तो विचार ये आता है कि फिर क्या करना चाहिए, हम कैसे जिए, किस तरह से व्यवहार करें, हम अपने तनाव को कैसे जीते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस समय सुबह जागते हैं तो उस समय आप जागते ही उस पिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने हमें जीवन दिया, जिसके कारण हमारी सांसें चल रही हैं, जिसके कारण हमारा हृदय धड़क रहा है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, उस परमात्मा को आप धन्यवाद दीजिए। मुस्कुराते हुए कहिए कि आज का दिन मेरे जीवन का यह सौभाग्य का अवसर है, मुझे आपने आज का अवसर प्रदान किया, मैं भगवान आपका धन्यवाद करता हूं, और आज के दिन को मैं मुस्कुराते व्यतीत करने का वायदा करता हूं। मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरी मधुरता का एहसास होगा, भगवान मैं आपसे वायदा करता हूं। अपने दायित्वों को और अपनी जिम्मेदारियों को मैं खूबी से निभा सकूं, आप मेरे साथ रहना, मेरी वाणी में मिठास देना, मेरे उस आकर्षण को बनाए रखना कि जो प्रेम का जादू व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, हम एक दूसरे के साथ बंध सकें, मिलकर चल सकें, मुझे शक्ति देना। मैं तुम्हारे नाम से आज के दिन की शुरुआत करता हूं, एक प्रार्थना करके आप अपने दिन की शुरुआत करना। दूसरी बात यह, आप ध्यान रखना कि आप ये जरूर सोचें कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसको टैगोर ने कहा कि हर दिन हमें दिन एक सोने के सिक्के की तरह मिलता है, और दुनिया के मेले में हम उसे खर्च करने के लिए हमें अवसर दिया जाता है, और दुनिया के कोई ना कोई ठग हमारे उस सोने के सिक्के को हमसे छीन ले जाते हैं, हम उसे अपने लिए अपनों के लिए खर्च नहीं कर पाते।
हमारा ये दिन रूपी स्वर्ण का सिक्का हमारे लिए उपयोग में आ सके, इसके लिए हमें अपनी योजना जरूर बनानी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने दिन की योजना अच्छी बनाई, मुस्कुराहट से अपने दिन की शुरुआत की, प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने दिन की शुरुआत की, और जो अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा सशक्त बनाने की चेष्टा करता है, मुस्कुराता है, धन्यवाद पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करता है, तो जिसका प्रभात अच्छा तो उसका दिन भी अच्छा होगा, जिसका दिन अच्छा है तो उसकी सांझ भी अच्छी होगी, और जिसकी सांझ अच्छी है तो उसका सुबह भी अच्छा होगा, और जिसकी सुबह अच्छी है तो उसका अगला दिन भी अच्छा होगा। और ये ध्यान रख लीजिए, जिसके दिन अच्छे हैं तो उसके सप्ताह अच्छे होंगे, और जिसके सप्ताह अच्छे हैं तो उसके महीने भी अच्छे होंगे, जिसके महीने अच्छे हैं तो उसका वर्ष भी अच्छा होगा, और जिसके वर्ष अच्छे हैं उसकी जिंदगी भी अच्छी होगी। एक एक बूंद से, जिस तरह से नदी बन जाती है, एक एक क्षण से जीवन बनता है, इसको हम संभालने वाले बने। अच्छी योजनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देते हुए, योजनाबद्ध तरीके से। दूसरी बात ध्यान रख लीजिए कि वह व्यक्ति सदैव शांत भी रहेगा, आनंदित भी रहेगा, मुस्कुराता भी रहेगा, जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन है, जो योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहता है, जिस व्यक्ति के पास में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। इसलिए ध्यान रखें, अनुशासन भी चाहिए, योजना भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी व्यथाओं को दूर करना चाहते हैं तो सीधा नियम है, व्यथा को व्यवस्था ही ठीक करती है। अगर हम अपने जीवन की दशा ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिशा ठीक करनी होगी। इसलिए यह निवेदन मैं कहना चाहूंगा, सभी के प्रति करना चाहूंगा, निवेदन यह है कि आप अनुशासित होइए, एकांत में बैठिए, अपनी डायरी अपने पास में एक रखिए, जिसको मैं ड्रीम बुक बोलता हूं। ड्रीम बुक आपकी डायरी बनेगी, जिसमें आप अपने जीवन के विषय में योजना भी बनाएंगे, संकल्प भी करेंगे कैसे जीना चाहिए। यह अपने आप में एक अलग विषय है, जिस पर हम कभी अलग से विचार करेंगे। आपके ड्रीम बुक आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को कैसे पूरा करती है। तो डायरी जरूर बनाएं और प्रकृति के साथ रहें, गीत संगीत से जुड़ें, मुस्कुराएं, आनंदित हों, और जैसे एक बात कही जा रही थी कि वर्तमान में रहना सीखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब लोग, हमारा जो ये मन है, इसका अपना एक नियम है कि ये एक झूला झूलता है, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। बूढ़े आदमी के पास में हमेशा पास्ट की ही बातें रहती है, और जवान आदमी के पास हमेशा ही फ्यूचर की बातें रहती है। एक छोटा सा बच्चा ही है जो वर्तमान में रहता है, इसलिए खुश अगर कोई दिखाई देता तो बच्चा ही दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर से बच्चा बन जाइए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी बीते हुए कल में नहीं है, जिंदगी आने वाले कल में भी नहीं है। आपके पास जो क्षण चल रहा है, जीवन वहां है, अगर उसको संभालना सीख लिया तो जिंदगी संभल जाएगी। एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगा, देखिए, भय अगर है तो जीतने का तरीका साहस है। जीवनी शक्ति अपनी प्रबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोरोना है, कोरोना के नियम आप सब लोग समझ ही रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आप सबको ध्यान में है। लेकिन इस समय वही आदमी सफल होगा जो आदमी साहसी है, जो हिम्मत वाला है। जिसकी हिम्मत टूट गई उसकी सांस भी टूट सकती है, इसलिए अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना। और आप लोग देखते हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर एक झांकी अधिकांश लगाई जाती है, जिसमें हजार फनों के नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पांव रखकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। हजार फन वाला वह नाग भय है, जिसके ऊपर श्री कृष्ण बांसुरी लेकर के नृत्य कर रहे हैं कि भय पर पांव रखना सीखो, भय को सिर पर बैठने मत दो। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक उदाहरण दिया जाता है, वो बड़ा अद्भुत उदाहरण है, शायद आपने सुना होगा, कि कोई एक हलवाई के
दुकान पर एक दही का बड़ा सा पात्र रखा हुआ था जिसमें दो मेंढक आकर गिर गए और दोनों के दोनों ही बाहर निकलने के लिए उछल कूद करते रहे लेकिन बाहर नहीं आ पाए, फिसले और डूब जाएं। और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि एक ने हिम्मत छोड़ दी और उसने कहा कि जब मरना ही है तो तड़प को क्यों मरना, छोड़ दो अपने आप को। और उसने अपनी हिम्मत छोड़ दी, डूब गया। दूसरे ने सोच लिया कि जब तक जिंदगी है, सांस चलती है, मैंने संघर्ष करना है, सामना करना है। उछला उछला उछलता रहा और उछलते उछलते उसने वो स्थिति पैदा कर दी कि उसके नीचे एक ठोस चीज आई और उसका सहारा लेते ही वो उछल के बाहर चला गया। पूछने वालों ने, जानने वालों ने कोशिश की कि क्या चीज इसके नीचे आई जिसका सहारा लेकर के आ गया, उछल कर बाहर आ गया। पता लगा कि बहुत उछलने से उस दही से मक्खन बन गया और वो जो मक्खन था वो इकट्ठा होकर जब तैर रहा था तो एक बार उछलते उछलते उसके पांव के नीचे वह मक्खन आया, उसका सहारा उसने लिया और उसके कारण वो बाहर निकल आया। कुछ लोगों ने कहा भाग्य से बाहर निकला, कुछ का कहना था भाग्य तभी काम कर पाया जब उसने साहस रख करके लगातार कोशिश करके जब वो हिम्मत करता रहा, प्रयास करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा तो उसी के कारण वो चीज आई कि भाग्य ने भी तभी काम किया जब पुरुषार्थ ने काम किया, जब मेहनत ने काम किया। भले ही जीवन में दुर्भाग्य आ जाए पर मेरा निवेदन ये है टूटेगा तभी जब आप दुर्भाग्य के पत्थर पर अपने संघर्ष के, अपने पुरुषार्थ के हथौड़े को लगातार मारते जाएंगे, वो टूटेगा जरूर और आप जीतेंगे। इसलिए अगर बीमारी भी है तो हिम्मत मत हारना, अगर इस समय के कोई विषमता है जीवन में हिम्मत मत हारना, लगातार प्रयास कीजिए। लेकिन प्रयास तब सफल होगा जब आप शांत मस्तिष्क से सोचेंगे। किसी भी आदमी का मन मस्तिष्क तब अच्छे से काम करता है जब उसका मस्तिष्क शांत होता है। अशांत मस्तिष्क में हमारा अंदर का जीनियस वो चुप पड़ा रहता है, हमारी बुद्धिमत्ता वो काम नहीं कर पाती। इसलिए सीधा सा नियम है कि आप अपने आप को शांत रखना सीखें। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जो हमारे देश में 10,000 साल पहले उद्दालक ऋषि ने कही थी राजा जनक के दरबार में। उन्होंने कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो, जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी का सहारा ना लेना पड़े और भगवान से प्रार्थना करो मेरे जीवन का फूल मुस्कराए बिखर जाए पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए, हंसते मुस्कराते हुए इस दुनिया से हम विदाई ले जाएं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूं तो यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप सब ये प्रयास कीजिए कि हर दिन हम अपने घर में प्रवेश करें तो तनाव लेकर के प्रवेश ना करें, क्योंकि वह आपके घर की तरफ जब आपके कदम बढ़ते हैं तो आपका प्रेम मंदिर है। अपने प्रेम मंदिर में तनाव लेकर ना जाएं और घर के लोगों का भी प्रयास ये होना चाहिए। बाहर रोजी रोटी के लिए गया हुआ व्यक्ति न जाने कितनी चोटें खा करके घर में प्रवेश कर रहा है, घर का तनाव उसे मत दीजिए, शांति से स्वागत कीजिए, बैठिए और अच्छा हो भोजन में और भजन में हम सब इकट्ठे बैठना सीख जाएं। अपना अपना टीवी सब कोई अपने अपने कमरे में देख रहे हैं, अपना तनाव एक दूसरे को बांट नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। इस दुनिया में आजकल देखने में आया है कि लोग बहुत अकेले हैं और ये दुनिया आज ऐसी हो गई है कि हंसने की चीजें भी आदमी के टेलीफोन में है, सोशल मीडिया की चीजें
आदमी अपने फोन में देख रहा है, अकेला बैठकर हंस रहा है। जो सबके साथ बैठ सकता था वो आज बहुत अकेला हो गया, और तनाव चिंता भय तो आपको अकेला कर ही देता है। इसलिए अच्छा हो, अपनों के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, व्यायाम कीजिए, हंसने हंसाने की कोशिश कीजिए, प्राणायाम करें, और अपने व्यायाम के साथ में ध्यान जरूर करना चाहिए। भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है यहाँ का योग और यहाँ का ध्यान है। पूरी दुनिया में मैं जिसमें आज से लगभग 20-22 साल पहले जब पहली बार अमेरिका में गया, तो वहां वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधि जब इंटरव्यू लेने के लिए आया, उसने एक सबसे पहले मेरे से प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत अमेरिका को क्या दे सकता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या प्रश्न हुआ। तो मैंने कहा आप दोबारा पूछिए मेरे से, मुझे थोड़ा संदेह लग रहा था। तो उसने कहा कि भारत अमेरिका को क्या दे सकता है। तो मैंने कहा पहले ये बताइए कि अमेरिका का क्या खो गया जो भारत दे सकता है। उन्होंने कहा आप ही बताइए। मैंने कहा यहाँ की नींद, यहाँ का चैन, यहाँ की शांति खो गई है, उसे भारत लौटा सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, भारत के अध्यात्म के माध्यम से ये चीज लौटाई जा सकती है। उसके बाद जब भी मैं वहां जाता रहा तो मैं ये देखता रहा कि योग के न जाने कितने सारे केंद्र वहां बनते दिखाई देते हैं, और कितने सारे लोग जो है हमारे योग को अपना रहे हैं, चाहे वो एले में हो, न्यूयॉर्क में हो, या फिर अलग अलग और शहरों में हो। लेकिन ये बात कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने देश में इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, हम अपने देश में नहीं अपना पा रहे हैं। तो हमें जो है फिर से अपने योग की तरफ, अपने ध्यान की तरफ लौटना चाहिए, अपने अध्यात्म की तरफ लौटना चाहिए। जब हम अध्यात्म की तरफ लौटने लग जाते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है, और सबसे ज्यादा जरूरी मिलती है चीज शांति, भूलोक से शिवलोक की यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, विषाद से प्रसाद की यात्रा। अगर कहीं हो सकती है तो अध्यात्म के माध्यम से हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि आप अध्यात्म की तरफ लौटिए। और सबसे मैं ये कहूंगा, जैसे आइंस्टाइन से किसी ने ये पूछा था कि अगर आपके सामने कोई सूचना दी जाए कि आसमान से एक बहुत बड़ी भारी चीज धरती पर तबाही करने के लिए गिरने वाली है, तो आप उस समय क्या करेंगे? और आपके पास में केवल 60 सेकंड का समय हो। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तो समस्या को समझने में लगाऊंगा, समाधान में कम समय लगाऊंगा, क्योंकि पहले समझा तो जाए। जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं और डर कर भागने लग जाते हैं, या डर करके विचलित होकर के कार्य करने लग जाते हैं, तो हमें भय भी हमारे सिर पर सवार हो जाता है और तनाव भी बढ़ जाता है, और फिर समाधान नहीं मिलता। ठीक है, समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन समस्या को समझने पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इसीलिए ज्यादा तनावग्रस्त हैं क्योंकि हम सभी लोग समस्या को समझते नहीं है, डर ज्यादा रहे हैं। इसलिए अगर दुनिया में दुख है तो दुख का उपाय भी है, बचाव का तरीका भी है, साधन भी हो सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम समय को ध्यान में रख करके चलना चाहते हैं, और आप सभी लोग मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न लेकर भी बैठे हुए हैं, और उन प्रश्न के जो भी कुछ उत्तर मैं दे सकता हूं मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। तो मेरा निवेदन फिर वही है कि एक अच्छी सी मुस्कुराहट और धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करें, शांति में सोएं और आनंद में जागें, कर्मठ रहें और शांत मस्तिष्क से अच्छी योजनाओं के साथ समस्याओं का समाधान करें। साहस सबसे बड़ी चीज है भय का सामना करने के लिए। तनाव के लिए जरूरी यह है कि हम अधिक तनाव लेकर बीमारियां ना बढ़ाएं। जिस चीज के लिए आप तनावग्रस्त हैं उस चीज का मूल्य कम है और आपकी जिंदगी का मूल्य बहुत अधिक है। तो जो करोड़ों करोड़ों का कीमती व्यक्ति है वो छोटे से नुकसान को भले ही सहले खुद को मारने से बचे, खुद को मिटाने से बचे।
आप सभी के लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, और भगवान करे आप सभी सुखी रहें, और आप सभी के प्रति बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वक्तव्य को विराम दूंगा, और आप सबसे ये कहूंगा कि जो आप पूछना चाहते हैं वो आप अपनी शंका या जिज्ञासा वो व्यक्त कर सकते हैं। एक बालक का जो उपालंब होना चाहिए वही मेरा उपालंब है पूज्य श्री के सामने, और ये दो पंक्तियां मुझे आदरणीय त्यागी जी की याद आ गई आपके इस वक्तव्य की जो गंगा है इसमें अवगाहन करते हुए कि गंगा मैया तेरे तट पर बसकर भी मैं रहा पिपासित, अपने प्यासे अधर दिखाकर सागर से ये बात कहूंगा। पूज्य श्री हमारा मन नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ दें, इतना सुंदर व्याख्यान आपने दिया है, लेकिन चूंकि ये काल है और काल सबसे प्रबल है, ये समय इसका हमें ध्यान भी रखना है, और ये हमारा जो संवाद सुधा जो पूज्य श्री के नाम से हमने जोड़ा है, पहला प्रश्न जो आया है वो श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी का है जो निदेशक नवज्योति की है। वो एक बड़ा सुंदर तार्किक प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखती हैं कि जब बच्चे सयाने हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो माता पिता को क्या करना चाहिए, अर्थात बच्चों के जीवन को लेकर कितनी तटस्थता और हस्तक्षेप का अनुपात होना चाहिए, ये उनका पहला प्रश्न है जो मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेकिन आज का युग ऐसा है कि हम लोग सुनते नहीं, सुनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं, इस कारण आपस में समस्या ज्यादा बनती है। आप अपनी पारी खेल चुके हैं, अब पारी खेलने का समय आपके बच्चों का है। आपकी कीमत, आपकी मूल्यवान राय जो है बहुत कीमती है, उसको जाया नहीं करना चाहिए, और तभी दें जब उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर उस मूल्यवान चीज को कोई लेने को तैयार ही नहीं है तो आप जबरदस्ती, और अच्छी बात यह है कि जब आप अपने बच्चों के साथ संवाद करें तो सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनको आप तेल की तरह पानी पर हावी होने की कोशिश ना करें, मतलब जो है बहसबाजी ना होनी चाहिए, संवाद हो, समझा जाए। और मैं तो समझता हूं पति पत्नी के रूप में जब अगर आपके बच्चे इतने जवान हो जाए कि उनकी शादी हो जाए तो माँ बाप को रिश्ते जोड़ने के लिए समय देना चाहिए, रिश्ते निभ जाए इसके लिए प्रयास करना चाहिए, बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उनके काम में दखलंदाजी करें। जैसे जैसे आयु बढ़ती है कहते हैं कि आदमी को अपने बोलने पर, क्योंकि बूढ़े आदमी की जबान बहुत चलती है, तो उम्र बढ़ जाए तो बोलने से बचना चाहिए, ज्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। हाँ, अगर आप सहायता कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ तो एक काम जरूर करें, उन्हें प्यार से कभी कभी बैठें, आशीर्वाद दें, अच्छी बातें बताने के से पहले उनके कार्यों की तारीफ करें, उसके बाद ये कहें कि मैं तुम्हें समझता हूँ बेटा, और अगर मैं तुम्हें कुछ निवेदन करूं या कुछ बात बताऊं तो तुम उसे सलाह के रूप में लो, मैं तुम्हें कोई अलग से जानकारी नहीं दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। जब आप इस तरह से उनके होकर उनके साथ बैठते हैं तो वो ये समझते हैं कि मेरे फादर, मेरी माँ मुझे समझती है, क्योंकि जब हम दिल में उतरते हैं तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति बदलता है और बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि ज्यादा हम संवाद पर ध्यान दें, किसी चीज को उससे आगे नहीं बढ़ने दें कि कोई चीज विवाद में बदले, या इस बात को लेके भी दुखी नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे मुझे समझते क्या नहीं। जवान बच्चे सोचते हैं मेरे माँ बाप नहीं समझते, और हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे नहीं समझते, लेकिन अगर एक दूसरे को सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सार्थक बात आचार्य श्री ने कही। और इसके साथ जो दूसरा प्रश्न है वो श्री बलवंत सिंह चराना साहब हैं, टीजीई रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3054।
बड़ा सुंदर प्रश्न है उनका। वो कहते हैं कि सात जन्मों का रिश्ता अर्थात दाम्पत्य जीवन सात दिन अथवा सात माह में सिमटने लगा है। दाम्पत्य जीवन के बिखराव से बचाव के उपाय और वो सीमा जहां तक उसे बचाने के प्रयास होने चाहिए, पूज्य श्री के चरणों में ये प्रश्न। देखिए, ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है और अमेरिका में जो इसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो एक अच्छे वहां पर साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, वो एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये होता है कि जिन लोगों के रिश्ते टूट रहे होते हैं तो काउंसलिंग के लिए उनके पास लोग आते हैं, तो वो उनसे ये कहते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप अभी तक एक दूसरे की कमियां क्या हैं उनके बारे में सोच रहे थे, आप 30 दिन का समय लेकर जाइए और एक दूसरे की अच्छाइयों को तब तक आप याद करेंगे और हर दिन उनको लिखेंगे और फिर 30 दिन के बाद आप मेरे पास आइए। इस तरह से वो 3 महीने तक लगातार बुलाते हैं और एक दूसरे से सिर्फ यही कहते हैं अच्छी बातें, जो इन्होंने तुम्हारी जिंदगी में जो क्षण अच्छे याद वाले हैं, जो अच्छे गुण इनके देखे हैं, उनके बारे में आप लिख कर लाओ। और 3 महीने के बाद ज्यादातर ये होता है कि एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और ज्यादातर 80% लोग तो ठीक हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोग इतने ज्यादा मजबूत निकलते हैं कि उन लोगों पर फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद फिर वो और कोशिश करते हैं। 10% ही ऐसे लोग रह जाते हैं जो अपना रिश्ता तोड़ बैठते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में कही गई बात, वहां पर लिखा है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमी वह, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सहृदय बनाता हूं, तुम्हें अद्वेष से युक्त करता हूं मतलब प्रेम से भरता हूं, और तुम लोगों को सहृदयता के साथ में जीवन के आदर्श के लिए जोड़ता हूं। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम एक दूसरे को समझें, तालमेल मिलाएं, एडजस्टमेंट करें, अंडरस्टैंडिंग लाएं, ईगो प्रॉब्लम ना आने दें, तब तो हमारा रिश्ता टिकता है। और कोई भी रिश्ता तब टिकेगा जब बर्दाश्त की ताकत काम करेगी। जिस घर में बर्दाश्त नहीं, उस घर में रिश्ता नहीं टिकता। कहा जाता है कि किसी एक वजीर से उसके राजा ने जाकर उसके घर में देख करके पूछा, 80 लोग घर में रहते हैं, सारे एक जगह बैठकर खाते हैं, कारण क्या है, कौन सा मंत्र है? बोले जी, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हैं और निभा लीजिए। निर्वाह और एक शब्द है विवाह, तो जो अच्छे से निभाया जाए वो तो है विवाह, और जो गुजारा किया जाए उसे कहते हैं निर्वाह। तो इसलिए अच्छा एक दूसरे को समझा जाए और कमियां ना ढूंढे, बल्कि हम एक दूसरे की अच्छी चीजों का को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे को गिफ्ट देने के बजाय प्रेम दें और थैंक्स करें। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के लिए चर्चा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मतलब गिफ्ट नहीं दी जाकर उसे थोड़ी लिफ्ट दी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और अगर नारी वो शक्ति स्वरूपा है तो वो शक्ति है, तो फिर पुरुष को सहन शक्ति हो जाना चाहिए निभाने के लिए। बड़ी सुंदर बात आपने कही। अगला जो प्रश्न है वो वही नारी शक्ति का है, आदरणीय ऋतु खत्री जी का ये प्रश्न है, और ये बड़ा सनातन शाश्वत प्रश्न है। ये ढोल गवार और शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, महिला मुक्ति के दौर में पूज्य श्री इस चौपाई को किस रूप में विवेचित परिभाषित करेंगे? ये ऋतु खत्री जी रोटरी क्लब से हमारे बीच में पूछ रही है। नारी शक्ति का प्रतिनिधि ऋतु जी ने प्रश्न किया है। देखिए, ये 500 साल पहले कहा गया उस समय का एक ऐसा दोहा था जो जनमानस को उस समय मजाक में या आनंद के लिए तो आनंदित कर रहा था, लेकिन ये हमारा कोई दिशा निर्देश या कोई सिद्धांत नहीं था कि हम इसको कोई सिद्धांत के या मंत्र के रूप में मान रहे थे। हमारा मंत्र क्या था? यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा मंत्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहना चाहिए कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है देवता वहीं प्रसन्न होते हैं, बरकत उसी घर में पड़ती है,
घर वही जुड़ता है और घर वही महकता है, वही जगमगाता है। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि भले ही मध्य काल में कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन अगर हम आदि काल से वैदिक युग से लेकर अब तक देखें तो हमारे यहाँ ऋषिकाएं थी जिनमें आप अपाला है, घोषा है, सती अनुसुईया है, सावित्री है, गार्गी मैत्री है, उन सब उन नामों को हम लेकर के देखें तो पता लगता है कि हमारे यहाँ इतनी विदुषी महिलाएं थी और इतना कुछ बड़ा उनका सम्मान था कि अपाला के सामने तो उसका पति, इतना विद्वान पति शिष्य बनने के लिए उसके पास में गया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सम्मान नहीं रहा, सम्मान रहा है और रहेगा भी। और फिर यहाँ शक्ति रूप में भी हम लोग नारी शक्ति को पूजते ही रहे हैं, इसलिए अगर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी का उदाहरण है, रानी चेन्नम्मा का उदाहरण है, या अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण है, तो राजस्थान की मिट्टी से हम हाडा रानी को भी याद करते हैं, महारानी पद्मावती को भी याद करते हैं। क्या बात। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हम लोग तो नारी शक्ति को माँ के रूप में पूजने वाले लोग हैं, इसलिए इतना बड़ा स्थान दिया गया कि जिसमें भी हमने ममता देखी, जहां भी आदर देखा, वहां माँ को जोड़ दिया। स्तुता मया वरदा वेद माता, वेद को भी माता कहा, गंगा को भी माँ कहा, गौ को भी माँ कहा। और हम लोग पढ़ते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, और अथर्वेद में आप पढ़िए जहां पर लिखा है कि ये जो पत्थर दिखाई देते हैं, ये जो पानी बहता दिखाई देता है, ये जो मिट्टी के कण है, इनको तुम सिर्फ मिट्टी और पत्थर और जल मत समझना, जीवन देने वाली शक्ति है, इसी से शरीर बना है, ये माँ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सम्मान हमारे देश में हमेशा रहा है, उस दोहे को उस काल के अनुरूप समझकर आप उसे, हम अपना सिद्धांत या मंत्र नहीं मानते, लेकिन जो हमारा मंत्र रहा है, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा दिए गए जो अनेक अनेक संदेश, अगर हम उनको समझें तो पता लगता है कि नारी जाति के लिए उनके हृदय में कितना बड़ा सम्मान था। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर उत्तर है पूजन जी। ये जो मुझे लगता है कि ये ताड़न जो शब्द है संस्कृत के ताड़ धातु से बना है, व्याख्या बहुत है, इसलिए मैंने वो व्याख्या नहीं कही, क्योंकि वो ताड़न कुछ अलग कर दिया जाता है, शिक्षा देना भी एक अर्थ में आता है। तो जी बहुत अच्छी व्याख्या कर देंगे दूसरी। जी जी जी। अब प्रश्न तो हमारे पास बहुत से लोगों को हैं, ये शिव प्रसाद जी पालीवाल हैं, ये ललित शर्मा जी हैं, लेकिन समय की सीमा है, और एक अंतिम प्रश्न मैं श्री सुबोध पारिक जी का मैं आपके समक्ष रखूंगा पूज्य श्री के चरणों में। यह स्वीकार योग्य है कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, पर क्या धर्म का व्यापार होना चाहिए? जैसा कि इस युग में हो रहा है, टीवी पर बिकने वाले यंत्र और ताबीजों को लेकर पूज्य श्री क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है, सामायिक प्रश्न है, और इसकी भी आवश्यकता है। देखिए, व्यापार में धर्म जाए तो निश्चित रूप से व्यापार में गुणवत्ता बढ़ेगी और व्यापार के प्रति विश्वास भी जागेगा, लेकिन अगर धर्म में व्यापार जाएगा तो फिर विश्वास भी टूटेगा। लेकिन हम व्यापार को गलत ढंग से ले रहे हैं, क्योंकि धर्म भी है अर्थ भी है, तब काम मोक्ष है। देखिए, कुछ लोग अगर व्यापार में धर्म लेकर गए हैं उनकी बड़ी महिमा रही है, लेकिन जिन्होंने धर्म में व्यापार भी लेकर आए हैं वहां भी महिमा रही है। इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। दो तरीके होते हैं सेवा करने के। एक तरीका होता है कि दान लेकर दान दिया जाए, दूसरा तरीका होता है कि आप कमाकर दान दो, जरूरतमंदों को आप दान दो। अगर कोई व्यक्ति कमाकर और सेवा में लगा रहा है और धर्म की व्यवस्था के अनुसार कर रहा है, तब वो भी सेवा है, वो भी धर्म है। लेकिन जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया, उससे लोगों के विश्वास टूटते हैं और उससे धर्म के प्रति अनास्था जागती है। दूसरी बात यह है कि जो जैसे ज्योतिष शास्त्र हमारा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप है, लेकिन जिन लोगों ने उसको अंधविश्वास वाला रूप बना दिया, और फिर जिन लोगों ने ये गंडे ताबीज से लेकर के और कितनी सारी चीजें जो हैं वो टीवी पर जो है, ये टीवी कमर्शियल पर
जो टीवीसी जिसको बोलते हैं, उस पे जब ये चीजें बिकने लग गई हैं और इस तरह से धर्म का रूप सामने बना दिया गया है, वो अच्छा नहीं है। उसमें सुधार जरूर होना चाहिए और उसमें हम लोगों को सबको सतर्क सजग भी होना चाहिए, क्योंकि जहां हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र ने लोगों को जगाया है, उठाया है, विश्वास जगाया है, कुछ लोगों ने जो है हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना दिया है। और जैसे बहुत सत्य बोला, सत्य कहा है पूज्य श्री ने, और बिल्कुल सही टिप्पणी शुरू हो जाता है तो वहां गड़बड़ है। जो आदमी जगाए, संभाले, शक्ति दे और ये कहे कि ये दिन अगर आपके अच्छे नहीं है तो ये बर्दाश्त करने के दिन है, हिम्मत के दिन है, वाणी पर कंट्रोल रखना, घर को जोड़ के रखना, क्योंकि तुम समझे नहीं जाओगे, इसलिए दूसरों को समझाने से पहले समझे भी जाओ। तो जो इस तरह से समझाने वाले हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, वो लोगों के हृदय में शक्ति भरते हैं। लेकिन जहां डर पैदा किया जा रहा है और गलत तरह से जो है लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वहां मैं जरूर कहूंगा कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए। आपसे यही आशा थी पूज्य श्री, और मैं अपने भावों को विराम देकर, देश की माटी, देश का जल, हवा, देश की देश के फल सरस बने, प्रभु सरस बने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के पन और देश के पाठ, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रितु खत्री जी को कि वो आए और अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं एक बार पुनः पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ रितु खत्री जी को। हरिओम पूज्य जी, आपका जो व्याख्यान था उसको सुन के हम निशब्द हैं, बहुत बहुत अद्भुत रहा वो, और उसके लिए आपके लिए हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन अर्पित करती हूँ और रोटरी क्लब जयपुर साउथ परिवार की ओर से अनंत आभार और निवेदित करती हूँ कि आप हमारे बीच आए और अपने सुविचारों से हमें नई दिशा प्रदान की और सुख शांति का मूल मंत्र भी दिया। पुनः आप श्री का अभिनंदन और अनंत आभार, हम कृतकृत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही मैं संजय झाला जी, देवराज कटारिया जी, ललित शर्मा जी का भी उनके सहयोग और योगदान के लिए अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ, और मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजकों और आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोटेश आभार है दैनिक नवज्योति परिवार को, फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड एफ एम, क्रेडिट टीवी लाइव, राजस्थान संस्कृत अकादमी और ग्रैंड लग्जूरियस बैंक्वेट्स का। साथ ही कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जिन्होंने जो हमसे अभी जुड़े और इतने सुंदर व्याख्यान में हिस्सा लिया, सहभागी बने उसके। मेरी बात खत्म होने के उपरांत FSI एंथम होगा और प्रसारण के बाद हम इस कार्यक्रम से विदा ले पाएंगे, इसी आशा के साथ कि पुनः आपसे रूबरू होने का हमें बहुत जल्द मौका मिलेगा।